हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं या यूट्यूब चलाने की सोच रहे हैं, और क्योंकि यूट्यूब की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि आपको जो है 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए है, और साथ ही साथ आपके पास में मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर बेस भी होना चाहिए, तब जाकर आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो सकता है। लेकिन डोंट वरी, मैं आप लोगों को आज एक ऐसा रास्ता दिखाने वाला हूं जहां पर आप बिना चैनल को मोनेटाइज किए भी आप $10 से लेके $100 तक जो है अर्निंग कर सकते हैं, जब भी आपका चैनल अभी मोनेटाइज हुआ ही नहीं है। अब वो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिजिटल मंजीत। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी बात करूं तो ये जो मेरा चैनल है, डेफिनेटली ये चैनल भी सब्सक्राइबर बेस तो बढ़ चुका है, लेकिन क्योंकि हम इस पे रेगुलर काम नहीं करते हैं तो इस वजह से ये चैनल भी अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। लेकिन हम इससे जो है अर्निंग कर सकते हैं और करते आ रहे हैं, और वही सारे तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। बेसिकली आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका होता है कि आप अपने YouTube चैनल के ऊपर में प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग जिसको हम लोग कहते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो अपने इस YouTube चैनल के ऊपर में प्रोडक्ट्स के रिव्यूज करते हैं, और उसके बाद जो है वो नीचे बता देते हैं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, अगर आपको ये वीडियो प्रोडक्ट पसंद आया है तो आप जो है उसको खरीद सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। जब भी आपका प्रोडक्ट वो सेल होगा तब तब आपको जो है कमीशन मिलेगा, नॉट फ्रॉम यूट्यूब बट फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म लाइक Amazon, Flipkart, Myntra, बहुत सारे हैं ऐसे जिनसे आप एफिलिएट करके अर्निंग कर सकते हैं। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका जो होता है उसको कहते हैं हम फ्रीलांसिंग, जो कि हम भी करते हैं इस चैनल के थ्रू। फ्रीलांसिंग में जो भी आपका कंटेंट बेस है, जैसे हमारा इस चैनल के ऊपर में डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है, सो हम जो है यहाँ पर अपने क्लाइंट्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, चाहे फिर वो ग्राफिक डिजाइनिंग का हो, वेबसाइट डिजाइनिंग का हो, या वेबसाइट का एसईओ करने का काम हो, तो ये जो है हम फ्रीलांसिंग के तौर पर इस पे कर रहे हैं, और जिससे कि ये चैनल हमारा मोनेटाइज नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इस पे जो है वीडियोस पब्लिश करते हैं, और हमारे इन वीडियोस को देख के अगर क्लाइंट हमें अप्रोच करता है तो डेफिनेटली हमें वहां से जो है अर्निंग हो जाती है। तो ये दो तरीके हैं आप लोगों के पास में, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर में 1000 सब्सक्राइबर बेस और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है उसको करने के लिए आपको एक टाइम लगता है, मिनिमम 3 से 6 महीने भी लग जाते हैं और कुछ को तो ज्यादा भी लग जाते हैं। तो क्या वो इतना समय जो हम दे रहे हैं क्या उसको वेस्ट कर देना चाहिए? The answer is no. आप जो भी निश के अंदर काम कर रहे हैं उस निश के प्रोडक्ट्स को एफिलिएट कर सकते हैं, या फिर उसी निश के अकॉर्डिंग आप फ्रीलांसिंग के जो काम है वो लेकर आपकी खुद की अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और डोंट वरी, जब आप रेगुलर वीडियोस पब्लिश करते चले जाएंगे और आपके उस यूट्यूब पे भी मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाएगा तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। सो गाइस, आई होप कि आपको जो है आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा कि किस तरह से आप बिना यूट्यूब मोनेटाइजेशन के जरिए भी आप $10 से $100 कैसे अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।